हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज़ एंड मी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 to 5 ईयर की एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा फूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि घर में जो भी बनता है, दाल, रोटी, चावल, सब्जी और जो भी सीजनल फूड है अपने बच्चों को दीजिए। इसी के साथ आपके बच्चे के फूड में आयरन वाला फूड उसे दीजिए, क्योंकि उससे उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों की ग्रोथ होंगी। उसी के साथ डाइट में हमेशा कैल्शियम और विटामिन डी इंक्लूड होना चाहिए। विटामिन डी आप सप्लीमेंट्स या 5 to 10 मिनट अगर सनलाइट में रहते हो तो भी आपको विटामिन डी अच्छे सोर्स में मिल जाता है। इसी के साथ अपने बच्चे के डाइट में हमेशा इसेंशियल फैटी एसिड्स होना चाहिए। फैटी एसिड जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के टाइप्स है, ये भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है बच्चे के डाइट में होना, तो ये भी आप अपने बच्चे के डाइट में हमेशा रखिए। इसी के साथ जो फैट्स बच्चे के डाइट में हम लेते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से क्या करते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, उसके साथ में उसका जो नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी बराबर करते हैं, इसलिए फैट हमेशा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डेली रूटीन ऑफ अ प्री स्कूल चाइल्ड, मीन 3 to 5 ईयर बच्चे का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। वेकअप टाइम जो होना चाहिए उनका 5:45 AM से 6 AM तक होना चाहिए, या 7 AM हार्डली। हाफ ग्लास ऑफ लुकवार्म वाटर बिफोर ब्रश, ब्रश द टीथ एंड क्लीन द टंग। सबसे पहले आप अपने बच्चे को लुकवार्म वाटर दीजिए। उससे क्या होगा, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है या उसे मोशंस बराबर नहीं होते हैं तो इसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और उसे जो मोशन वगैरह की कंप्लेन है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। इसी के साथ आप मॉर्निंग में उसे ब्रश के बाद में लुकवार्म वाटर लेने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट ऑफर कीजिए, उसे ड्राई फ्रूट दीजिए, बादाम वगैरह जो भी बच्चा खाता है उसे रोज़ ड्राई फ्रूट ऑफर कीजिए। 6:30 to 7 AM तक आपके बेबी को आप ब्रेकफास्ट ऑफर कीजिए। ब्रेकफास्ट में आपके घर में जो भी बनता है आप बच्चे को दीजिए। आप चाय पराठा भी दे सकते हो, स्टफ पराठा भी दे सकते हो, डोसा, इडली, सांभर, चटनी, जो भी बच्चा इंटरेस्ट से खाए, उपमा, पोहा या फिर ब्रेड, पैनकेक्स, जो भी आप बच्चे को ऑफर करते हो, ब्रेकफास्ट का एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए और उसमें अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट डेली दीजिए, और चाहे वो जितने भी क्वांटिटी में ले बट उसे ब्रेकफास्ट ज़रूर ऑफर कीजिए। इसी के साथ बच्चे को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसका दिन ही तभी से स्टार्ट होता है, इसलिए ब्रेकफास्ट आप बिल्कुल दें। टिफ़िन एट स्कूल 8:00 AM to 9:30 तक आप बच्चे का टिफ़िन बना लीजिए। टिफ़िन में आप जो भी देना चाहिए, डेली पोरेज विद वेजिटेबल्स दे सकते हो, आप उसे ओट्स दे सकते हो, उपमा दे सकते हो, पोहा दे सकते हो, पैनकेक दे सकते हो टिफ़िन में भी, या जो भी फूड आपका बच्चा इंटरेस्ट से खाता हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उसे ऑमलेट ऑफ़र कर सकते हो, उसके साथ कुछ नॉन वेज सब्ज़ी मॉर्निंग में उसे दे सकते हो। जो भी आपका बेबी खाता हो आप उसे ब्रेकफास्ट के लिए ज़रूर दीजिए, और उसके बाद में जो टिफ़िन बनाते हो उसमें भी आप उसके हिसाब से जो वो खाता है उसे बांध के दीजिए। ब्रेड, पीनट बटर, जैम, पास्ता, ये आप कुछ भी ऑफर कर सकते हो। वेल कमिंग बैक फ्रॉम होम एट 12 PM to 1 PM तक अगर आपका बेबी घर पे आ जाता है रिटर्न, तो उसे आप एनी फ्रूट ऑफर कीजिए, क्योंकि वो थका हुआ रहता है तो आप उसे पहले फ्रेश होने के लिए कहिए, क्योंकि हाइजीन आपको प्रॉपर मेंटेन करना है बेबी के लिए, तो वो पहले फ्रेश हो जाए उसके बाद आप उसे कोई फ्रूट ऑफर कीजिए। एट 1 PM लंच उसे दीजिए। लंच में आप उसे राइस, दाल, घी, खिचड़ी, जो भी आपके घर में बनता है नॉर्मल डाइट उसे ऑफर कीजिए। नॉर्मल जो भी आपके घर में आप खा रहे हो, सब्जी, दाल, रोटी, चावल, वो बच्चे को दीजिए। मिक्स वेज दे सकते हो आप, राजमा दे सकते हो, छोले दे सकते हो, सांभर, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, फिश, एग, योगर्ट, जो भी बच्चा इंटरेस्ट से खा ले वो दीजिए। एट 2 PM to 4 PM आफ्टरनून नैप अगर बच्चा सोता है तो उसे सोने दीजिए, क्योंकि वो मॉर्निंग से उठा है तो कैसे होता है कि बच्चे थक जाते हैं स्कूल, घर वगैरह, तो अगर आपका बच्चा सोता है इस टाइम तो उसे अच्छे से सोने दीजिए। वो खेलता है, जो भी एक्टिविटी वो करना चाहता है उसे उस टाइम में करने दीजिए। 2 to 4 तक उसे नैप टाइम दीजिए उसका, उसके बाद में 4 PM के बाद उसे प्ले टाइम दीजिए, उसमें जो भी बच्चा खेलना चाहे उसे खेलने दीजिए। और उसके बाद में होमवर्क एट 6 PM, 6 PM तक बच्चा होमवर्क वगैरह कर ले तो आप उसको इवनिंग में आप एक मिल्क, 1 कप मिल्क उसे ऑफ़र कर सकते हो। 1 कप मिल्क एज अ क्वांटिटी 250 ml। डिनर आप एट 8 PM तक बच्चे को डिनर ऑफ़र कर दीजिए, उसमें भी आप जो भी डिनर आप खाते हो डेली रूटीन का, दाल, चपाती, रोटी, सब्ज़ी, खिचड़ी, पुलाव, जो भी वेज, नॉन वेज, जो भी खाते हैं बच्चे को दीजिए, और एक रूटीन बना लिए उसके डिनर का भी, उसी टाइम उसे डिनर ऑफ़र कीजिए।
और जब भी आपका बेबी सोने के लिए आए तो उससे पहले आप उसे मिल्क ऑफर करना बिल्कुल ना भूले, बच्चे को दूध पिला के ही सुलाए। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जब से आप बच्चे को सेमी सॉलिड से सॉलिड फूड पिलाते हो तो तभी से अच्छे फ्रूट का अच्छे फूड खाने की उसे हैबिट दीजिए। हेल्दी फूड अपने बच्चे को खिलाइए जिससे न्यूट्रिशन हेल्दी डाइट हो। ब्रेकफास्ट बच्चे को हेल्दी दीजिए क्योंकि बच्चे पूरा दिन ब्रेकफास्ट जो रहता है वो अगर हेल्दी रहा तो बच्चे का पढ़ाई में खेलने में हर चीज़ में कॉन्सेंट्रेट अच्छा होता है। इसी के साथ अपने बच्चे को अच्छा ही खाना ऑफर कीजिए, हेल्दी स्नैक लाइक फ्रूट योगर्ट खीर मिष्टी वेजिटेबल सलाद कैरोट स्टिक वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह सब अच्छा ही दीजिए। जितना भी हो सके बाहर के खाने से बच्चे को दूर रख के वो अवॉइड ही कीजिए। इसी के साथ मैं कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ हेल्दी प्री स्कूल के लिए कि रिच आयरन रिच फूड ही बच्चों को आप ऑफ़र कीजिए, अच्छे हेल्दी फूड बच्चों को दीजिए। जितना भी हो सके पिज़्ज़ा बर्गर और जो भी स्नैक्स और अनहेल्दी डाइट बाहर मिलता है उससे बच्चों को दूर, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आपका बच्चा घर ही का फूड खाए, घर ही का हेल्दी डाइट उसे आप दें। और इसी के साथ ये भी कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को फोर्सफुली आप ज़बरदस्ती कुछ मत खिलाइए। अगर उसका इंटरेस्ट है उस फूड में, वो इंटरेस्ट से खा रहा है तो ही उसे ऑफ़र कीजिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं खा रहा है और आप उसे खिलाए जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। उससे बच्चा इरिटेट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर फूड के बारे में अपनी जो मेंटेलिटी है वो रॉन्ग कर देगा। इसलिए आप बच्चा अगर इंटरेस्ट से खाता है तो ही खिलाओ। के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे को मील ऑफ़र करते हो तो एक न्यू फूड डेली तैयार कीजिए, उसके लिए एक नया खाना ज़रूर रखिए। जो डेली रूटीन का अपना खाना है जो एक सब्ज़ी फैमिली के लिए बन रही है उसके साथ एक बच्चे के लिए कुछ अलग सा और बनाइए ताकि उसका खाने में और इंटरेस्ट। और इसी के साथ जब भी आपका बच्चा खाना खाता है तो आप फोकस कीजिए कि वो कितने इंटरेस्ट से खा रहा है ताकि आप नेक्स्ट डे और अनदर डे वीकेंड में 2 से 3 बार भी वो फूड उसे ऑफ़र कर सके। इसलिए आपके बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसका आप बराबर से ध्यान रखें। इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे के होमवर्क के अलावा, स्कूल के अलावा, अदर एक्टिविटीज़ के अलावा उसको एक उसका प्लेइंग टाइम दीजिए जिसमें वो थोड़ा ऑल एक्टिविटीज़ से अदर होके अपने स्ट्रेस से दूर होके खेले कूदे और इन्जॉय करे। तो बच्चे को प्लेइंग टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी लेट द चाइल्ड डिसाइड फ्रॉम द हेल्दी चूज ऑफ फूड, उसकी मर्जी से उसे एक फूड चूज़ करने दीजिए जो उसे अच्छा लगता है और वही उसे ऑफ़र कीजिए। इसी के साथ मैं एक मेन बात कहना चाहूँगी कि जो भी आप बच्चे को खाना देने का ब्रेकफास्ट लंच डिनर का जो एक शेड्यूल बनाते हैं ये 2.5 से 3 आवर्स के बीच का बनाइए ताकि बच्चे को उस पर्टिकुलर टाइम पे बराबर से भूख लगे और जो भी आप उसे मील ऑफ़र करें वो अच्छे से खा लें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बच्चे के खाने में आयरन कैल्शियम विटामिन डी उसी के साथ जो फैट्स है और उसी के साथ जो भी मतलब न्यूट्रिशन है वो आपके बच्चे के खाने में रहे, आपको सप्लीमेंट देने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए बच्चे को न्यूट्रिशन डाइट ही दीजिए। इसके साथ प्री स्कूल जो चाइल्ड होते हैं उन्हें 10 to 15 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप उनकी नींद का ज़रूर ध्यान रखें। और इसी के साथ बच्चे को 2 दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करने की हैबिट लगाइए। अगर वो रात में सोता है तो उससे पहले उसे ब्रश करने की हैबिट ज़रूर रखें तो उसकी जो टीथ है वो हमेशा हेल्दी रहेंगे और बच्चे को भी अच्छा फील। और इसी के साथ अगर आपको कोई क्यूरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए या बताइए। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।